नमस्कार दोस्तों, कलाकार क्लब के फेस टू फेस में आपका स्वागत है। जो ये आज जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ उसमें ये है कि कब, कैसे और कहाँ शूटिंग शुरू हो सकती है। सनशाइन लिंगल दास, हाय प्रणय जी, आई एम फ्रॉम गोवा, प्लीज़ चेक माई वेबसाइट। सर, मैं आपकी वेबसाइट चेक करूँ, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा आप कलाकार क्लब पे अपना प्रोफाइल बनाएं। मेरे चेक करने से कुछ नहीं होगा सर, जो रिक्रूटर्स हैं, जो काम देंगे, उनको देखना, उनका देखना बहुत ज़रूरी है, और वो जब आपको देखेंगे तो आपको ज़रूर संपर्क करेंगे, इसलिए मेरा देखना उतना अहमियत नहीं रखता। आज़ाद खान सर, आई एम गुड सर, हाउ आर यू। हम मिले थे भारत भवन में। यस, मुझे याद है भाई, भारत, तभी मैंने भोपाल कहा था स्कंद भाई के जरिए। यस यस सर, बहुत अच्छी तरह से याद है, और मैंने ये कहा भी था कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो फिल्म के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ऐसा मुझे लगा था। तो आपसे भी गुजारिश करूँगा, कई बार कहा भी है कि आप लोग आएँ kalakarclub.com पे। विवेक यादव भोपाल लखनऊ से हैं। विवेक भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, बहुत ही कह सकते हैं कि पकड़ है इनकी काम पे। विवेक भाई भी अभी नहीं आ पा रहे हैं, डिक्लाइन हो गया है मेरे ख्याल से नेटवर्क की। नमस्ते जमाल मियाँ, नमस्ते नमस्ते विवेक भाई, जमाल मियाँ इन्होंने मुझे कहा है। रितम श्रीवास्तव की जो फिल्म थी तानाशाह, उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था पुलिस वाले का, जिसका नाम जमाल था। कैसे हैं विवेक भाई, आप आ सकते हैं ऑनलाइन हमारे साथ? नोटेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू लिंकन दास। आप इस चीज़ को समझें कि आप कलाकार क्लब के जरिए बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, ऐसे में सर वेबसाइट देखूंगा तो मैं ही सब जान पाऊंगा उसको। सेड ऐड करें ना, मैं करता हूँ। विवेक जी, अगर आप आ सकते हैं तो बताएं, खुशी होगी मुझे। नमस्कार विवेक जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं सर? जमाल विवेक जी मियां को मैं हमारे चचा बुलाता था, चचा इसलिए बुलाता था कि इनके शूट के दौरान खड़े थे बेचारे, और शूट चल रहा था और पीछे से पता नहीं, ढलान पे खड़े थे और पीछे से कुछ गाड़ी आई है क्या हुआ, और इनको चोट लगी, उसके बाद जो इनके कमर की हालत हुई तो बड़े लचक आ गई थी, इनकी लोच आ गई थी, झुक के ही चलते थे, तो इनको हम चचा कहते थे। इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, अनुभव सिन्हा जी की थप्पड़ है उसमें, और लखनऊ से काफ़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि अनुभव सिन्हा इनसे काफ़ी मेहनत करवाते हैं भाई कैरेक्टर को लेके, कि वो तो मतलब जान नहीं छोड़ते इनकी। विवेक जी, हम बात कर रहे थे कि जो फिल्में तो पहले से भी बाहर निकल रही हैं, छोटे छोटे शहर में जा रही हैं, अभी तो और भी जाएंगे जो ग्रीन जोन है, या जहाँ पर सुविधाएं मिल जाएंगी, एक्टर्स मिल जाएंगे, लोकल टेक्नीशियंस मिल जाएंगे, सपोर्टिंग कास्ट क्रू सब मिल जाए, तो वैसे में मैं कह रहा था कि कलाकार क्लब की उपयोगिता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से आपने बनाया था, जी अगर याद हो, हम लोग को काफ़ी डिस्कशन हुआ था इस चीज़ को लेकर जी के, जी और मुझे लगता है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर आप देखें हाल फिलहाल में, अगर तो जो भी पैकेज वगैरह की बात चल रही है कि गवर्नमेंट ने पैकेज का अनाउंसमेंट किया, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को वहाँ की तरफ सोचना चाहिए, लेकिन वो उनका अपना काम है, वो उनका अपना काम है। और मुझे लगता है कि हमें इस पे एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम आप कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के किस तरीके से काम आ सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने भी पढ़ा होगा आज प्रेक्षा के बारे में, प्रेक्षा मेहता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यंग मैं बोल यंग लड़की रंगकर्मी, और उसने सुसाइड कर लिया। ये सर थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें, और इसलिए भी हम हमारा आपस में बने रहना, देखते रहना बहुत ज़रूरी है, आपस में बातचीत करते रहना। आप टच छोड़ दें तो बड़ा वो एकाकीपन जो है वो खाएगा। एकाकीपन बिल्कुल हमारे, हम सब ने अपनाया है कोरोना को मारने के लिए, खुद को बिल्कुल मारने के लिए नहीं, हम अलग रहेंगे तो वो मरेगा, तो ऐसे में संयम बहुत ज़रूरी है। और विवेक जी बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि लोकल आर्टिस्ट से भी वो संपर्क में रहते हैं, कि ऐसे टफ टाइम तो हमारे हमेशा से रहते हैं, इस लाइन में तो बिल्कुल टफ बहुत है, तो पर उम्मीद तो हमेशा जगी रहती है।
और अब तो ज़्यादा उम्मीद बनेगी, थोड़ा सा एक जो समय है, रफ टाइम है, टफ टाइम है, वो गुजरेगा ही, उसके बाद तो चीज़ें शुरू होने, बिल्कुल क्योंकि जाना शुरुआत ही तो जाना पड़ेगी। है, क्योंकि एक वही बात है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट की तरफ से भी छूट मिल रही है, तो आगे चल के वो काम तो शुरू होना ही है। लेकिन हाँ, वो जो प्रिकॉशन की जो बात है फिल्म जी यूनिट को लेकर के, कि कम से कम यूनिट के साथ में और वो प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, तो ये हमारी क्रिएटिव फील्ड है, यहाँ पर आप दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं रख पाते हैं शूटिंग के दौरान कि यहाँ पे ये ना हो जाए वो ना जाए, दिमाग आपका काम पे ही लगा रहता है, सिर्फ बिल्कुल काम बिल्कुल अच्छा करके देना है। तो उस पर कई बार क्या होता है, बियॉन्ड द लिमिट में ही जाना पड़ता है हमें कई बार, एक अच्छी कास्टिंग के लिए, हमें शूट पर अच्छे शॉट के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, तो उन सब चीज़ों का तो हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। पर जो आपने एक बात कही कि आज जो एक इंसिडेंट जो खबर आई है प्रेक्षा जी। जो एक्टर की, वो उस खबर ने मुझे भी काफ़ी दुख पहुंचाया, क्योंकि खैर देखिए ये मनास्थिति वाली बात होती है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो गलत था, ये सारी जी बातें अपनी जगह सही हैं, पर जिस इंसान के साथ ये बीतती है उसकी मनास्थिति वही जानता है। हालांकि मैं फिर भी ये कहूँगा ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ते हमें ज़रूर मिलेंगे। और हाँ, बस ये ज़रूरी है कि जब तक हमें वो रास्ते नहीं मिल रहे हैं उसके में तैयारी करते रहने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छा समय है जब अपने आप को हम रीइन्वेंट करें, जो चीज़ें छूट गई हैं उस पर हम फोकस करें, अपने आप को फिर से तैयार करें। तो ये तो बहुत अच्छा समय है, जो समय हमें शायद अमूमन ऐसे नहीं मिलता है। ये हो सकता है कि थोड़ा लंबा समय है, फाइनेंशियल तौर पे ये थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं और आने वाले समय में थोड़ी सी और आ सकती हैं, लेकिन नहीं जाएगी ऐसा तो नहीं है, जाना ही जाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये वही वाली बात है, इससे पहले भी तमाम सारी दिक्कतें हमारी इंडस्ट्री में भी आई हैं और ऑल जी ओवर इंडिया में भी आई हैं, आती रहती हैं, हम उन्हीं समस्याओं से निकल के यहाँ यहाँ आए हैं। मुझे बिल्कुल लगता है कि हमारे ऐसे लोग हैं नहीं कि हमारे गॉडफादर वहाँ बने रहे हो और हम डायरेक्ट वहाँ चले गए, तो हमने बहुत बेस से स्टार्ट किया शुरू किया, और आज जहाँ भी है जो भी थोड़ा बहुत काम कर हम लोग कर रहे हैं, तो इस लॉकडाउन के बाद भी हम लोग काम कर ही लेंगे। बिल्कुल अच्छे करेंगे सर, कलाकारों बिल्कुल की, करेंगे। अच्छे लोगों की इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है। और ये जो आपने बात कही कि अपने ऊपर काम करने की, ये बहुत सही वक्त है। अगर एक्टर के तौर पर बात की जाए तो परफॉर्मेंस के ऊपर काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है हमारे हमारे सबके पास में। इन सारी वेब सीरीज़ में अगर आप वेब सीरीज़ नहीं भी देख पा रहे हैं ज़्यादा, मुझे मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं बहुत ज़्यादा अभी सीरीज़ इस वक्त, पहले की अपेक्षा हम ज़्यादा मोबाइल में घुस गए हैं, स्क्रीन में ज़्यादा घुस गए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इस चीज़ से बचा हुआ हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बीच बीच में किसी फिल्म के कुछ सीन निकाल के देखता हूँ। तो उससे होता क्या है कि आपको पर्टिकुलर, जब आप ऑडिशन में होते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप ऑडिशन में होते हैं तो आपको पूरी कहानी तो बताई नहीं जाती है, एक कैरेक्टर बताया जाता है, अपना कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर उस सीन के बारे में बताया जाता है, उसके आगे पीछे सीन के बारे में बता दिया जाता है, और आप एज एन एक्टर आप उसकी खुद की परफॉर्मेंस तैयारी करते हैं और आप ऑडिशन देते हैं। मुझे लगता है कि ये एक वो उस इसको उसी तरीके से लेना चाहिए कि आप किसी भी फिल्म का कोई भी एक सीन निकाल के देख लीजिए और आप उसको समझने की कोशिश करिए कि अगर ये कैरेक्टर को ये एक्टर प्ले कर रहा है क्या सोच के कर रहा है, उसकी अपनी मनास्थिति क्या होगी इस कैरेक्टर को करने के वक्त में, वो किस डेंसिटी के साथ इस इमोशन के साथ जा रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा हल्का करता हूँ तो एज एन ऑडियंस क्या फील जाएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर भी अगर आप मंथन करते हैं, आप विचार करते हैं अगर, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आप परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होमवर्क के तौर पर किया जा सकता है। विवेक जी, अभी जो आपने बात की वो बहुत ही पॉइंट टू बी नोटेड जिसको कहते हैं मिलॉर्ड, क्योंकि थिएटर जब करते हैं तो थिएटर पूरा एक फ्लो में जाता है, और सिनेमा या टेलीविज़न या उसका अभी जो एक रूप है वेब सीरीज़, वो जब करते हैं तो हम पार्ट में करते हैं, तो पार्ट में चीज़ों को समझना और उसी इंटेंसिटी से उस चीज़ को लाना, इसलिए जो आपने कहा ये जो भी मेरे ख्याल से यहाँ सारे सीजन एक्टर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं जो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बाद में नए एक्टर देखें वो समझें इस चीज़ को कि हम बिट्स एंड पीसेस में चीज़ों को करते हैं, फिर उन्हें जोड़ा जाता है। तो ऐसे में ये रियाज भी बहुत अच्छा है कि आप कोई सीन उठा लें, उसके इंटेंसिटी को समझें, उसके मूड को समझें और उसको इनैक्ट करें घर पर, इससे भी तैयारी हो सकती है और बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है।
विवेक जी, कल हम फिर जैसे प्रेक्षा जी का ये किस्सा था उसी से संबंधित मैं कल या परसों सुदीप सारंगी एक एक्टर हैं उनसे बातचीत होगी हमारी, और उनकी जर्नी बहुत कमाल की रही है। वो बॉम्बे में थिएटर शुरू किया, हम लोग रघुवीर यादव जी के साथ एक प्ले कर रहे थे, फिर वो साउथ गए, साउथ में जाके फिर उन्होंने 5 फिल्मों में एज ए लीड एक्टर काम किया, और वो बहुत उत्साहित हैं इस चीज़ को बात करने के लिए। वो कह रहे थे कि सर मैं आना चाहता हूँ कलाकार क्लब के थ्रू इस लाइव पे आना चाह रहा हूँ, ताकि अगर 2 लोग भी मेरी बात सुने तो वो टफ होती है समय, मतलब एक कहीं कोटेशन था मैंने पढ़ा था, वो मेरे दिमाग में हमेशा बैठते हैं, जो यहाँ पर वो एकदम फिट होता है, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, यानी कठिन बिल्कुल समय हमेशा नहीं रहता, वो चला जाता है, लेकिन जो जुझारू आदमी है वो तो टिकता है। तो बिल्कुल, ये वही वाली उसके बात है। आप हाँ इसको जी, जी, उसी से संबंधित मैं शायद 1-2 दिन में उनके साथ लाइव आऊँगा और उनकी पूरी जर्नी, ताकि जो भी देख रहे हैं वो समझे कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी आगे बताएं। जी मैं ये कह रहा था कि ये वही वाली बात है कि जैसे मान लीजिए दिन और रात का जो एग्जांपल हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि भाई दिन के जी बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ये वही वाली बात है कि ये जो टफ टाइम है ये एक तरीके से वो काली रात है। आपको जागते रहना है या तो आपको सो जाना है। अब जागने का मतलब ये कि आप अपनी तैयारी, आप सिर्फ मौज मस्ती में निकाल दीजिए, आप परेशान हाँ होते रहिए और आप लोगों को फोन करके पूछते रहिए क्या चल रहा है, कैसे क्या होगा, अरे मैं ऐसा हो गया हूँ, वैसा हो रहा है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये आप मान के चलिए कि आप रात को जाग रहे हैं तो सुबह अपने तय समय पर होगी ही होगी, आप उसको नहीं बता सकते। बिल्कुल सही तो बात। वक्त आएगा, और वो वक्त आएगा जब हम वापस से वो यूनिट में जाके काम करेंगे, पैकअप जो शब्द होता है, जिसकी खुशी लास्ट में जो सुनने का यस, एक खुशी होती है। वो सेट पे पहुंच के सर वो सेट का जो माहौल होता है ना वो बहुत तड़पाता है, वो हमारी तड़प तो कुछ और होती है, या सेट पे पहुंच के शूट करने का, और या आपके थिएटर में पहुंच के रिहर्सल करने का और प्ले का, वो जो ऑडिटोरियम की जो चीज़ें हैं आप सर, यकीन ये माने जब मैं बहुत ऑडिशन एक करता एकदम हूँ लजीज खाने की तरह है कि आप किसी चीज़ का आप स्वाद आपके मुँह लार टपक रहा हो ऐसा। यकीन माने जब मैं ऑडिशन करता हूँ तो भीड़ आती है, एक तरीके से बहुत लोग जी आते हैं। हम लोग कई बार लंच का वक्त नहीं मिल पाता है, हम लोग चाय के लिए भी तरस जाते हैं कई बार, और उस वक्त ऐसा लगता है यार कितनी भीड़ यार, इतना काम, इतनी टफ हो रहा, थक गए, ये सब होता है। लेकिन यकीन मानिए वही जब सारा वो वक्त नहीं वापस होता आएगा। है तो क्या होता बिल्कुल, वो वक्त याद आ रहा है और ये उस वक्त की वो याद ही है जो आपको और मोटिवेट कर रही है कि आपको चलिए और नए विवेक एक्टर भाई, लाने हैं। और आपने रितम जी के साथ काम किया, रितम के सहयोगी साथ में काम कर रहे हैं पलाश सिंह, वो भी हमें देख रहे हैं, बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिंग बात आप कर रहे हैं। मैं कोशिश करता शुक्रिया हूँ आपके बाद उनसे संपर्क करूँ, अगर वो लाइव आते हैं तो, अगर मैं पता नहीं 2 लोग ऐड जी, हो सकते हैं बिल्कुल। कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इसका, 2 लोग ऐड हो मुझे सकते हैं। लगता है कि शायद नहीं, मुझे लगता है एक सिंगल पे होता है, हाँ एक ही होता है। चलिए सिंगल बहुत पे। अच्छी रही बातचीत, कल परसों मैं फिर आऊँगा सुदीप सारंगी जी से, और रितम जी से भी बातचीत बिल्कुल करनी है, वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं उनकी, तो मैं कह रहा था कि रितम ने तानाशाह डायरेक्ट की, रितम बिल्कुल जी और प्रकाश झा के साथ जुड़े रहे थे, उनकी दूसरी वेब सीरीज जो है रक्तांचल 18+, जी खून खराब है बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल तो वो लेके आ रहे हैं और शायद हम बहुत जल्द उनसे भी संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच विवेक जी, हम लोग जल्दी संपर्क में आएंगे फिर से भी, शुक्रिया, थैंक यू विवेक सो यादव भी मच। हैं कलाकारक्लब.com पे, और मैं चाहूँगा आपके जरिए रखें, क्योंकि आने वाला उन्हीं लोग का है जो अपने की जरूरत पड़ेगी या किसी भी बड़े शहर में, आप कहीं भी रहिए आपसे संपर्क कर लिया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, शूट करिए फिर अपने घर जाइए, तो ये अच्छा भी होगा एक तरह से। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।